हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल के पी सिन्हा व्लॉग्स। और यहाँ पे ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, मतलब आई गेस प्रीवियस संडे का है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए मैंने ये व्लॉग एडिट नहीं किया। मतलब एडिट कर लिया था, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आलस जो है ना वो वॉइस ओवर में आता है। क्या करो यार, आलसी लड़कियों में। तो यहाँ पे संडे के दिन मैं बना रही थी ये मस्त सी सब्ज़ी, जो कि खाने में मुझे बहुत तो नहीं, बट हाँ मैं खा लेती हूँ, मतलब मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन होने की वजह से मुझे वो सारी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी रहती हैं हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुद्रुन की सब्ज़ी। हमारे बिहार में से कुद्रुन कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता इसे दिल्ली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बट मेरी मम्मी तो इसे कुद्रुन कह करके ही लाती है। ये बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि ना बारिश का मौसम था और पिछले हफ्ते तो इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब परेशान हो गई थी। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ठंड बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे गर्मियाँ पसंद है। मतलब वो जो हीट वेव वाली गर्मियाँ होती है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियाँ मतलब एकदम मुँह जल जाए, पसीने पसीने, वो वाली गर्मियाँ मुझे बड़ी पसंद। टैग करना समर लवर्स को एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी को अच्छे से पानी में से मसल मसल के धोया, क्योंकि थोड़ी स्टिकी भी हो रही थी और क्या कहते हैं, मुझे अच्छे से मुझे सब्ज़ी वगैरह अच्छे से धोना धो करके खाने में थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं। और यहाँ पे मैंने दोबारा से पानी में डाल करके से दो पानी धोया, उसके बाद मैंने इसे टू इक्वल हाफ्स में कट करके रखा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टॉप एंड बॉटम को कट करके साइड कर लेंगे, फिर इसे टू इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। इसे कच्चा भी खाते हैं नमक लगा करके, जो इसके ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं उसे, जो कुछ कुछ कुद्रुन रेड कलर के भी होते हैं उन वो नहीं खाते, वो थोड़ा पक जाता है कहते हैं, पर ग्रीन वाला कच्चा कच्चा होता है तो वो खीरे की तरह लगता है, खाने में बहुत यम्मी एंड हेल्दी होता है। यहाँ पर तेल लिया मस्टर्ड सीड, उसके बाद मैंने जीरा डाला और उसके बाद मैंने सारे कुद्रुन को डाल दिया फ्राई होने के लिए। ये ना फ्राई जितना अच्छे से होता है, क्रिस्पी जितना बढ़िया होता है, उतना ही टेस्ट में यम्मी लगता है। अगर आप इसे ऐसे बॉयल बॉयल बनाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे टिंडे, तोरी, बैंगन, इन सबको मसालेदार इन चटपटा अगर आप बना करके मुझे तो मैं खा लूँगी, बट जो एकदम उबला उबला रहता है तो उसको खाने में थोड़ा सा हेजिटेट होती है, बट खा तो मैं वो भी लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं सिलवट पे पीसने के लिए मसाला निकाल रही थी, जिसमें था जीरा, बहुत ही कम और बहुत ही बेसिक मसाले जाते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पे तीन सूखी लाल मिर्च लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन लूँगी। और मतलब लहसुन हमारा बहुत खाते हैं, क्योंकि मसाला सिलवट पे पीसते हैं तो लहसुन ही नहीं अगर पीसेंगे तो फिर मसाला बनेगा कैसे। उसके बाद आप ना इसको अच्छे से क्या करो, सिलवट पे बारीक बारीक सा पीस लो। और मुझे तो सिलबट्टा चलाना बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले मैंने सिलबट्टे को वॉश किया, उसके बाद मैंने इसमें डाला मसाला। मसाला डालने के बाद सबसे पहले मैंने लहसुन को कूच लिया और उसके बाद मैंने फटाफट से जो है सारा मसाला पीसना जो है अच्छे से शुरू किया। और बहुत टाइम बाद पीस रही थी मैं सिलवट पे मसाला, क्योंकि आजकल मिक्सर ही ज़्यादा यूज़ कर रही थी। बट ये वाली सब्ज़ी मुझे सिलबट की खाने की बहुत मन था, तो मैंने बोला यार मैं तो सिलबट पे पीस के बनाऊँगी। और सिलबट्टे के मसाले का टेस्ट सच में अलग होता है, मिक्सर के मसाले की सब्ज़ी अच्छी बनती है बट वो ज़बरदस्त एकदम बिहार में कहते हैं ना भौकाल वाला जो एकदम समा होता है वो सिलबट्टे की ही सब्ज़ी का होता है। और मेरी मम्मी तो जब तक सब खाना बनाती रही, मतलब अब तो खैर मैं बनाती हूँ, बट जब तक वो बनाती रही, वो मेरी मम्मी बेचारी चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बजे खाना बनने में, बट वो लेडी इतनी ताकतवर है कि वो सिलवट्टे पे ही मसाला पीस करके बनाती थी। शी नेवर लाइक वो पैकेट वाले मसाले, मिक्सर के मसाले कभी नहीं पसंद, उन्हें कभी भी नहीं पसंद। अब तो चलो ये कि वो मेरी वजह से खा लेती हैं क्योंकि मैं बना भी लेती हूँ, बट मेरी मम्मी को सिलवट्टे के मसाले की जो सब्ज़ी एंड चटनी है वो तो बढ़िया है। अगर मेरी मम्मी की जो भी बहू बने ना, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि सिलबट्टे का अगर आप मेरी मम्मी को चटनी एंड मसाला पीस करके सब्ज़ी वगैरह बनाओगे तो मेरी मम्मी खुशी खुशी खाएंगी, सच्ची मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुद्रुन में हमने डाल दिया मसाला, मसाले के ऊपर थोड़ा सा सूखा मसाला डालेंगे जो कि होता है हल्दी एंड मिर्च, बस और कुछ मसाला नहीं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैंने ना क्या कहते हैं काली मिर्च और जीरा उन सबको भून, उन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में भूना और उसको मैंने पीस करके रख लिया, तो उस वो भी मैं इसमें डालूंगी। और सच्ची बताओ उसका टेस्ट एंड खुशबू टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और पता है मुझे घर पे मसाले रोस्ट करके पीसने में ना अलग ही आनंद आता है, अब तो मेरी हॉबी बन चुकी है ये कि मैं पहले क्या करती हूँ साबुत मसालों को भूनती हूँ, जैसे काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, और उसको फिर मैंने पीस लिया, ड्राई पीस लिया। जैसे मैंने धनिए को क्या क्या रोस्ट कर लिया, साबुत धनिए को फिर मैंने पीस लिया, तो उसका अलग ही एक स्वाद आता है। हाँ मतलब बहुत अच्छा। फिर से ढक करके रख लिया। यहाँ पे मैंने दालें मिक्स की है, जिसमें है अरहर की दाल, ग्रीन वाली दाल, ग्रीन साबुत वाली और मूंग की दाल।
मुझे इतना ही आता है। फिर यहाँ पे नाश्ता बन रहा था, तो नाश्ते में बना रही थी मेरी बहन रोटी और कुद्रुन की सब्जी में नमक वमक डाल के मैंने मम्मी पापा को दे दिया नाश्ता, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी दीदी की शादी है दिसंबर में। तो फिर शॉपिंग पे हम लोग जा ही रहे हैं, कभी मम्मी पापा जाते हैं, कभी कोई जाता है, कभी मैं भी साथ में चली जाती हूँ। तो मम्मी पापा नाश्ता करके जाएं तो सही रहता है, क्योंकि बाहर का खाना कितना ही खाएंगे तो रोटी सब्जी जो है वो खा लेते हैं, तो तसल्ली रहता है आराम से। उसके बाद क्या हुआ, मैंने दाल को 15 मिनट भिगो करके रखा था, उससे क्या होता है उसका जो एक्स्ट्रा पॉलिश वगैरह होता है वो निकल जाता है। वैसे तो हम लोग अच्छी दालें लाते हैं, बट फिर भी आजकल सब कुछ मिलावटी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना पानी की रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने डाल दिया, और उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं इसमें हल्दी और नमक डाला। और हल्दी नमक डालने के बाद मैंने इसको सीटी लगा दी, 4 सीटी लगाई, और ये दाल बहुत अच्छी बनती है, जो हरी साबुत वाली दाल होती है ना बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप इसका एकदम जबरदस्त तड़का लगा दोगे ना तो ये और ज़्यादा अच्छी बनती है सच में। तो यहाँ पे कुद्रुन की सब्ज़ी भी बन चुकी थी, इसको मैंने कटोरे में खाली कर लिया क्योंकि मुझे कढ़ाई का काम भी था आगे और मुझे राइस भी बनाना था। और फिर अच्छे से हमने पहले कटोरे को धो लिया, फिर हमने सुखा लिया, क्योंकि गीले गीले करते तो क्रिस्पी क्रिस्पी कुद्रुन नहीं बन रहे थे, थोड़े सौगी हो जाते। और यहाँ पे इतने यम्मी से चटाकेदार बने थे ना। फिर यहाँ पे मैंने किचन में थोड़ा सा तड़का वड़का करने के लिए मैंने प्याज वगैरह चॉप किया। और मैं तो ये मानती हूँ कि शादी के बाद किसी भी लड़की को हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना चाहिए, साथ में अपनी सास के लिए भी खाना बनाना चाहिए, अगर आप अपनी सास को खुश रखना चाहते हो तो। क्योंकि देखो, सास खुश तो हम खुश रहेंगे, अगर सास खुश नहीं रहेगी तो हम खुश नहीं रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना रहता है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफीज़ होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे इतना नहीं पता, ना ही मैं उस मुकाम पर अभी पहुँची हूँ, ना ही मेरे को अभी इतना जल्दी पहुँचना है वहाँ। तो बाकी मुझे तो यही लगता है। यहाँ पर मैंने राइस भी कर लिया था, राइस भी अच्छे से हो गया था। और फिर हमने क्या किया, दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो राइस वाइस को भी हम लोग अब क्या करेंगे, स्ट्रेन आउट कर लेंगे। हमारे यहाँ इसे माड़ पसाना कहते हैं, तो अब हम इसका माड़ पसा लेंगे। और जो भी मेरे बिहारी फॉलोवर्स हैं ना, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन दबाया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए किसकी किसकी नहीं सुनती हूँ, मैं कितना क्या क्या चीज़ें फेस करती हूँ, वो आपको तो आइडिया भी नहीं है। और आई थिंक अगर आप मेरी जगह होते तो कब का ये सब छोड़ छाड़ के बैठ गए होते। बट स्टिल मुझे कह सकते हैं कि मुझे इंसल्ट और ह्यूमिलेशन सहने की आदत हो गई है, तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। बट आई लव व्लॉगिंग, मुझे काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ जब मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। बाकी मुझे नहीं आइडिया कि मैं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वो बाद का बाद है, पहले मैं अपना काम करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे दाल में तड़का, उसमें मैंने डाला जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता। मैंने कहा था इस दाल का अगर बढ़िया से तड़का लगाओ ना तो एक दाल खाने में और ज़्यादा बढ़िया बनती है। उसके बाद जैसे ही जो है तड़का अच्छे से हो गया, उसमें हमने डाल दिए 3-4 गार्लिक क्लव्स, और उसको हमने पहले डाला ताकि वो ऑयल में ना उसका एक एसेंस आ जाए। फिर हमने डाला प्याज, प्याज डालने के बाद हमने इसे अच्छे से भून लिया, और जब ये अच्छे से भुना जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाकी सामान डालेंगे। आप लोग दाल कैसे फ्राई करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे बहुत तरह की रेसिपीज़ को देखना, उसे पसंद करना और उसको बनाना ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही टमाटर भुना, जैसे ही प्याज भुना गया, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से भुनेंगे जब तक वो गल के एकदम हलवा ना हो जाए, एकदम मैशी मैशी सा ना हो जाए। और उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें सूखे मसाले, जिसमें जाता है 1/2 चम्मच मिर्ची और 1/2 चम्मच क्या कहते हैं हल्दी पाउडर। और मिर्च जो है हमारे घर की पिसी होती थी, बहुत ज़्यादा तीखी होती, तो 1/2 चम्मच का मतलब आप समझ लो कि ये तीखी वाली है, तो आप इसको देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मसालों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। उसके बाद डाला थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, जो कि भुना धनिया पाउडर था मेरे ही घर का। यस, ये सारे मसाले वालों को बिजनेस बंद कराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को भी पसंद आता है जब मैं घर में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती हूँ। उसके बाद मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हमने इसे गला देंगे, जैसे ही ये गल जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपनी बॉयल की हुई दाल। और इसको डालते ही जो खुशबू आई ना, ओ हो 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 हो, क्या खुशबू आई, आप ज़रूर ट्राई करना, आप ये दाल का कॉम्बिनेशन, ये दाल का तड़का अच्छे से ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना,
वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। और हम दाल को बस एक हल्का सा उबाल मारेंगे, और उसके साथ ही मैं एक बहुत ही बढ़िया एकदम पुरानी मूवी देख रही थी जो कि थी ईश्वर मूवी, और बहुत अच्छी लगती है मुझे तो पुरानी मूवीज़ देखना, संडे को बिंज वॉच करना। तो मैं एक ईश्वर मूवी देख रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मैंने रिड्यूस किया, क्योंकि बॉयल होने के बाद वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाता। बाकी इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे, और मुझे वो जो हरी वो लाल लाल मिर्चियाँ ऐसे ऐसे ना भुनी हुई कड़ी में या दाल में, मुझे वैसे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे खाना खाना पसंद है, और अगर मेरे हाथ का खाना होता है तो मुझे और ज़्यादा खाना पसंद है। ठीक है, इसको हम लोग एकदम तेज़ आँच पे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तब तक के लिए मैं क्या करूँगी, मैं नहा वहाँ के आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फिर हम लोग आपस में मिलते हैं। सो हे गाइस, आई नो व्लॉग काफ़ी देर से शुरू हो चुका था और खाना भी रेडी हो चुका है। तो खाने में दाल वॉज रेडी, राइस रेडी है, कुद्रून रेडी है, और यहाँ पे ये खूब सारी कचरी और गांव से लाई हुई अदौरी और तिसौरी भी तला गया है। तो बस अब मैं लंच करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुबह से मैंने सिर्फ चाय मट्टी खाया है, तो मैं तो चली भी खाना खाने। तो यहाँ पे मैं अपना लंच का थाली लेकर के बैठ गई हूँ। राइस, कुद्रुन की सब्जी, चुरचुरी, सलाद प्याज और टमाटर का, और ये रहा दाल। और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमने एक मूवी लगाई है बहुत पुराने टाइम की, और वो देख रहे हैं और मस्त अपना लंच जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गली में गणेश विसर्जन है। तो पापा का विसर्जन है, इसलिए मुझे मोदक भी बनाने हैं, बहुत सारा काम है, इसलिए फटाफट से कर लेती हूँ। और फटाफट से बहुत ज़्यादा भूख भी लगी, तो नहा करके आई हूँ, खाना खाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद जाऊंगी मोदक की प्रिपरेशन करने के लिए, और विसर्जन में आज खूब ज़्यादा मस्ती करेंगे। तो चलना आप भी।